अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है कीमा आलू। और ये कैसे बनेगा मज़ेदार सा कीमा आलू, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये ना मैंने ना प्याज काट दिया, ठीक है, एक छोटा सा प्याज। तो आज हम जो बना रहे हैं वो है कीमा आलू। तो पहले यहाँ पर अच्छा, हम लोगों ने ये मैंने कीमा ले लिया, ये लहसुन अदरक। कीमे की मकदार कितनी है? एक किलो होगा, हाफ केजी, वन केजी। हाँ, आधा किलो लगा लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, आधा चम्मच नमक का, एक चम्मच मिर्च का, आधा चम्मच हल्दी का। मतलब हम लोगों ने बस ये तीन मसाले शामिल करने हैं। हाँ, ये आलू। आलू, हाँ जी, क्योंकि हमारी आज की रेसिपी है कीमा आलू, तो आलू भी हम लोगों ने यहाँ पर रख दिए हैं। ये धनिया, हरी मिर्च काटी हुई, ये तो मतलब गार्निश करेंगे ना इसके साथ। हाँ जी, तो ये गार्निशिंग के लिए धनिया, हरी मिर्च। अच्छा, डालूं फिर मैं? अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्याज और साथ ही मसाले इसके अंदर जो होते हैं नमक मिर्च वो शामिल कर दिया है। कीमा हम लोगों ने वॉश किया हुआ है तो वो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। मतलब तमाम तो चीज़ें हम लोगों ने एक साथ ही शामिल कर देनी है। मतलब कीमा भी डाल दिया हमने और प्याज भी डाल दिया है, इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना हम लोगों ने। फिर इसको पानी लगा के पकने के लिए रख देंगे हम लोग। हाँ जी, चलो जी, ये हम लोगों ने आप इसके अंदर पानी भी डाला। ये थोड़ा सा पानी गल ले, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने नहीं डाला, पर थोड़ा सा हम लोगों ने पानी डाला है इसके अंदर। तो अब अच्छी तरह से मम्मा ने इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। हम लोगों ने मसाले भी डाल दिए इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, कीमा डाल दिया है और अब कवर करके हम इसको फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो पहले तो हम इसको एक उबाल दिलाएंगे, उबाल दिलाने के बाद हम इसकी आग को मुनासिब सा करके इसको पकने के लिए रख देंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार सी जो सी आज की हमारी रेसिपी है कीमा आलू को कैसे तैयार करते हैं। व्यूवर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। फिर तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो कीमा पकने के लिए रख दिया है, तो कीमे को जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि हम लोगों ने एक उबाल दिलाना है, एक उबाला दिलाने के बाद हम लोग इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको उबाला दिलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारी कीमा आलू की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये देखिए पकने लग गया, अब थोड़ा सा ना वेट करते हैं गल जाए ये, तो फिर ना आलू डाल के ना भूनते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, तो मतलब अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसको और पकने के लिए रखना है। हाँ जी, ये पानी सूख जाए ना फिर इसके में ना वो डालते हैं आलू डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये आलू डाल देती इसमें, साथ ही पानी भी हो जाएगा, सूख जाएगा तो आलू भी थोड़े से हो जाएंगे। फिर मैं घी भी डालती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर जो कीमा है इसको पका लिया। कीमा पकाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। पहले थोड़ा सा पानी था तो हम लोगों ने इसको खुश्क कर लिया। पानी खुश्क होने के बाद हम लोगों ने जो से आलू हैं वो डाल दिए हैं और खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आ रही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी जो सी रेसिपी है कीमा आलू पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो सी अच्छी अच्छी मज़ेदार से वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो मम्मा, अब हम लोग मतलब क्या करेंगे, इसको भूनेंगे, वेट करना है या गले रखना है? पानी जरा थोड़ा सा सूख जाए ना, मैं जीरा भी डालती हूँ इसमें। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने आलू डालने के बाद और जब हमारा कीमा तैयार होगा तो उसके बाद हम लोगों को जीरा शामिल करना है। ये मैंने जीरा भी डाल दिया इसमें, अब मैं घी डालूंगी, भूनूंगी इसे, थोड़ा सा पानी डाल के ना आलू डाल जाएंगे साथ ही। अब तो डाल ही जाने आलू, हाँ भाप में हो जाएंगे दम में, तो हम लोग थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो हम लोगों ने आलू भी हैं और मैंने काटे भी छोटे छोटे से ही हैं, वो तो अपनी मर्जी से भी काट सकते हैं आप, जिस शेप में आपने काटने हैं वो काट सकते हैं। मैंने ऐसे ही काटे आलू छोटे छोटे से, बस अब घी डाल के इसे भूनूंगी मैं। तो असल में ना पकाने का मसला है, आज मैंने कहा चलो कीमा आलू मटर पका लेते हैं, कीमा आलू पका लेते हैं जी। तो अब हम लोग पानी खुश कर रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। व्यूअर्स, आप लोग इसको जरूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। कीमा आलू तो सबको ही पसंद है जी, कीमा मटर हुए, अब तो वैसे भी सर्दियाँ हैं वो भी पकाएंगे हम लोग, कीमा आलू मटर मिक्स तीनों चीज़ें। हमें घी डाल लेंगे, डेढ़ डाल देते हैं। तो हम लोगों ने उसके अंदर कुकिंग को शामिल कर दिया है, अब हम लोग इसकी बुनाई करेंगे।
और उसके बाद जो है आलू उनको गलने के लिए हम लोग पानी डाल कर रख देंगे पकने। हाँ जी, ये मैं ना आप अच्छी तरह से भूनती हूँ। पानी हमने ज्यादा नहीं डालना, बस सूखे सूखे से पकाने हैं आलू मटर। हम मटर ही निकल ही जा रहे मेरे मुंह में से। बस फिर इसका मतलब है कि आपको मटर ना पाला कीमा भी बना लेना चाहिए। हाँ जी, वो ही निकला है बार बार मुंह में से निकल रहा है, आलू कीमा नहीं निकल रहा। अगली दफा इंशाल्लाह वो भी पका के ना दिखाएंगे। चले ठीक है। हाँ जी, तीनों चीजें आलू मटर कीमा। हाँ, फिर वो मटर निकलेगा भी तो अंदर एडजस्ट हो जाएगा। किस वक्त हो जाता है ऐसे? हाँ जी, ये देखेंगे ये भी आना शुरू हो गया। तो अब हम लोग बस इसको 5 मिनट तक पकने के लिए। नहीं नहीं, अभी भूनना बेटा, अभी थोड़ा सा भूनते हैं ना। हाँ जी, ये भूनते हैं, 2 मिनट और भुना जाएगा, घी तो आना शुरू हो गया, तो फिर बाद में तैयार हो जाएगा। फिर धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च। ओके, इसको पानी में डिश आउट कर देंगे। जी, तो हम लोगों ने अब इसको भून लिया, तो अब हम लोग थोड़ा पानी डाल लेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा पानी डालना है बस। आलू मैंने ज़्यादा इसलिए डाले, बच्चे शौक से खाते हैं आलू। जी, तो अब हम लोग इसको पकने के लिए रखते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और आज की हमारी वीडियो को पूरा देखना। देख रहे हैं मज़ेदार सा जो सा आलू, बस आलू हाँ, मतलब गलने के लिए डाले मैंने पानी, ज़्यादा नहीं डाला। तो कैसे तैयार होगा जी? कैसे तैयार होगा आलू कीमा? माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब ये फाइनल हो गया। हाँ जी, ये धनिया हरी मिर्च में डाल रही हूँ। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो सा आलू कीमे का हमारा सालन है वो तैयार हो गया है। और हम लोगों ने लास्ट में इसके अंदर जो सा है वो धनिया और हरी मिर्च डाल ली है। तो इसमें मम्मा इसके अंदर काट के धनिया और हरी मिर्च डाल रहे हैं। लास्ट में जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब हमने डालनी है और इसे गार्निश करना है। तो अब इसके बाद हम लोग इसे डिश आउट कर देते हैं। हाँ जी, बस थोड़ा सा ना थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि हम लोगों ने धनिया डाला है इसके अंदर और हरी मिर्च डाली। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह दिख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त कितना उम्दा लग रहा है ये। क्या वाह, घी आ जाए ना इसके ऊपर, तो फिर निकाल के दिखाते हैं आपको। तो थोड़ा सा पानी और सूख जाए इसका, घी भी आ जाए, मतलब जो और पानी खुश्क हो जाए, तो फिर ये जो हमारी आज की रेसिपी है कीमा वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स, अब हमारी जो सी आज की रेसिपी है बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी इसका फाइनल लुक। तो अब मम्मा इसको डिश आउट कर रहे हैं। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो घी है वो भी आ गया है। माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी है कीमा आलू पसंद आएगी, और शक्ल देखने में इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और खुशबू का क्या कहना, वो तो सिर्फ मुझे ही आ रही है। तो आप लोग इतनी मज़ेदार रेसिपी को अब कैसे बनाए बिना रह सकते हैं? तो जल्दी से जाएँ व्यूअर्स और हमारी आज की रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपनी फ़ीडबैक दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी दान को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।